पुलिस ने 2.5 करोड़ के अफीम व 5 लाख के हीरोइन के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। चतरा पुलिस ने 2.5 करोड़ के अफीम व 5 लाख के हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर गिद्दौर थाना क्षेत्र के गिद्दौर गांव निवासी ललन दांगी व पांजे टोला निवासी राजेंद्र दांगी शामिल हैं। दोनों के पास 44 किलो 995 ग्राम अफीम व 25 ग्राम हीरोइन के अलावा एक मारुति सुजुकी अल्टो के 10 कार व स्कूटी जब्त किया गया है। यह जानकारी SP विकास कुमार पांडे ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिमरिया SDPO अजय कुमार केसरी के नेतृत्व में वहां जांच अभियान अंतर जिला चैका नाका बलबल के पास चलाया जा रहा था। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर अफीम के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके निशानदेही व गिद्दौर थाना क्षेत्र के पांड्या टोला निवासी राजेंद्र धांगी के घर से अफीम व हीरोइन जब्त किया गया है। दोनों अफीम व हीरोइन तस्करी करने के फिराक में थे। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तस्करी में शामिल अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आगे SP ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तस्करी में शामिल तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी टीम में सिमरिया SDPO के अलावा गिद्दौर BDO राहुल देव, सदर अंचल पुलिस निरीक्षक पप्पू कुमार शर्मा, गिद्दौर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता, पत्थलगढ़ा थाना प्रभारी आलोक रंजन चौधरी, गिद्दौर थाना क्षेत्र के ASI रंजय कुमार सिंह व कई जिला बल के जवान शामिल थे। देखिए, ऐसा है कि एक सूचना मिली थी गिद्दौर थाना क्षेत्र में कि कुछ लोग हैं जो अफीम वगैरह का कारोबार कर रहे हैं या अफीम इधर से उधर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी सूचना के आलोक में सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और एक बलबल के पास में एक एंटी चेक नाका लगाया गया था तुरंत में, जिसमें वाहन की चेकिंग की जा रही थी। उसी के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया उसमें, जिसके निशानदेही पे गिद्दौर थाना क्षेत्र में ही जितेंद्र दांगी के घर में अफीम और हीरोइन की बरामदगी हुई, जिसके आलोक में गिद्दौर थाना में कांड दर्ज करके अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें लगभग जो रिकवरी हुई है वो 48.895 kg है, मतलब अगर मोटा मोटी मानिएगा तो 44.895 kg, ये लगभग 45 kg अगर माना जाए तो। और इसका बाजार में जो मूल्य है करीब वो 2.25 करोड़ रुपए का होता है। इसमें फिर 25 ग्राम हीरोइन भी बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। एक मारुति सुजुकी अल्टो जब्त की गई है और एक स्कूटी भी जब्त की गई है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक ललन दागी, एक राजेंद्र दागी।